मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 मड़बाड़ी मोहल्ला में बुधवार की रात बाइक पर सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर एक व्यक्ति का झोला लूटकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 9 निवासी सुशील जसवाल मिर्चाई पट्टी रोड स्थित अपनी दुकान बंद करने के बाद मड़बाड़ी मोहल्ला गली के रास्ते महिला कॉलेज स्थित अपने घर जा रहा था। घर के समीप 2 मोटरसाइकिल पर हथियार से लैस 4 नकाबपोश अपराधियों ने सुशील जसवाल को पिस्तौल दिखाकर झोला को लूटकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दिया गया। सुशील जसवाल का मिर्चाई पट्टी रोड स्थित ज्वेलरी का दुकान चलाता है। थानाध्यक्ष प्रशिक्षु DSP आशुतोष रंजन ने घटना की सूचना मिलते ही दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। थानाध्यक्ष ने दुकान और घटनास्थल वाले स्थान पर लगे CCTV कैमरा फुटेज खंगाल रहे हैं। सुशील जसवाल दुकान बंद करने के बाद 2 झोला अपने साथ लेकर घर जा रहा था। घटना को लेकर सुशील जसवाल के द्वारा अब तक थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि बाजार अभी मंदा है, 2 दिनों का बिक्री का रुपया झोला में था। हमारी मिर्चाई पट्टी सोनापट्टी में ज्वेलरी का दुकान है। 8 बजे दुकान बंद करके मैं और मेरा छोटा भाई वो ड्राइव कर रहा था, हम पीछे बैठे थे। कुछ जो है किराने का सामान और एक झोला में 2 दिन का बिक्री जो 50-60 हज़ार रुपया होगा ले के हम लोग आ रहे थे। 8 मरवाड़ी मोहल्ला 8 वार्ड के समीप पंकज टेक्सटाइल है, उसके सामने से आगे से आके 2 लड़का हमको घेर के रिवाल्वर दिखा और पीछे से भी 2 लड़का है, दिखा के हमसे झोला मांगा तो दे दे, दोनों झोला हमसे ले लिया। उसके बाद वो चला गया तो फिर हम उसके पीछे भी दौड़े, भी हल्ला उल्ला किए जब तक वो भागे। तो जो है पुलिस भी आई और वहाँ छानबीन किए वो अपने से, CCTV कैमरा को भी खंगाल रहे हैं, जांच कर रहे हैं।